बुलबुल और धनेश पक्षी। एक समय की बात है, धनेश पक्षी पक्षियों का राजा था, लेकिन छोटी सी भी गलती पर वो छोटे छोटे पक्षियों को जान से मार देता था। इसलिए एक दिन सभी पक्षी मिलकर अपना नया राजा चुनने की बात सोच रहे थे। वो सब बुलबुल को चुनना चाहते थे। वो राजा जैसा दिखता भी है। हाँ, और अगर चाहे भी तो हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये बात धनेश को कौन बताएगा? वो कभी नहीं मानेगा। मेरे पास एक तरकीब है, मेरे साथ आना सुतहर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ समय पश्चात, महाराज हम सभी चाहते हैं कि परीक्षा देकर आप अपना स्वामित्व सिद्ध करें। आपको एक मोटी डाल पर बैठकर उसे तोड़ना होगा। अगर आप सफल नहीं हुए तो जो भी सफल होगा हमारा राजा बन जाएगा। बताओ मैं कौन सी डाल पर बैठूं? उस डाल पर। मेरे सिवा और कौन उस डाल को तोड़ सकता है? चलो। धनेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ान भरी। वो जोर से उस डाली पर बैठा, मगर डाली टूटी ही नहीं। जिसे भी इस परीक्षा में शामिल होना है उसे इतनी ही मोटी डाली पर बैठना होगा। हमारा प्रतियोगी बुलबुल है, वो डाल ठीक है, मोटी है ना? ठीक है, वो डाल पहले से मोटी है। अगर बुलबुल उस डाल को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो राजा बन सकता है। धनेश ये नहीं जानता था कि जिस डाल पर बुलबुल बैठने वाला था उसे सुतहर ने पहले से ही पूरी तरह कुरेद दिया था। छोटा सा धक्का उस डाल को तोड़ सकता था। जब बुलबुल उस पर बैठा तो वो डाल टूट गई। ये कैसे हुआ? उसने उस डाली को तोड़ दिया। धनेश ने अपनी हार मान ली और वो वहां से चला गया। बुलबुल पक्षियों का नया राजा बन गया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है।